एक बार की बात है कि हम चेन्नई विशाखापट्टनम के लिए गए बहुत लंबा टूर था हमारा काफी बड़े बड़े स्थानों पर गए तो उसमें से था एक विशाखापट्टनम जी वहाँ पर हम गए और वहां पर हम चार दिन रुके अन्य स्थानों पर उद्घाटन काफी सेरेमनी प्रोग्राम रहे बहुत अच्छे से हुआ हम जब रिटर्न आने लगे तो हमारे पास में थोड़ा अधिक सामान हो गया था क्योंकि सेंटर से भी काफी सौगातें मिली और भाई बहनों ने भी दिए थे तो हमें ऐसा लगा कि ज़्यादा सामान हो रहा है तो यहीं छोड़ देते हैं hmm. लेकिन पास में दीदी थी तो दीदी ने कहा आप ये सामान सब ले लीजिए कोई बात नहीं जब अगर फ्लाइट में अगर चढ़ सकता है तो ले कर जाइए तो हमने कहा दीदी शायद हमें लगता है कि इतना सामान नहीं आ पाएगा तो भाई ने कहा कि मैनेजर को मैं जानता हूँ दीदी आप ले लीजिए तो हमने तुरंत ले लिया और हम चल पड़े तो जैसे वहाँ पर गए तो हम देखा तो हमारा सामान पैंतीस के जी अरे वापस ज़्यादा हो गया अच्छा हमें लग भी रहा था क्योंकि इतना टूर करते है तो हमें खुद भी अंदाजा तो आ ही जाते हैं लेकिन उनका था कि नहीं आप ले लीजिए तो हमने ले लिया 35 के जब सामान ज्यादा हुआ तो उन्होंने कहा कि आप दीदी दी ऐसा कीजिए सोलह हजार रुपये दे दीजिए हम आपका सारा सामान ट्रांसफर हो जाएगा अरे बाप रे तो हमने कहा भाई जी हम आश्रम पर रहते हैं और यज्ञ बाबा का है और यज्ञ बाबा के घर में रहेगी कोई हर्जा नहीं इतना जरूरी नहीं कि हम इन्हें लेकर के ही जाए तो कोई बात नहीं आप दस हजार दे दीजिए हमने कहा भाई जी कोई बात नहीं हम आश्रम पर वापस रिटर्न भेज देंगे अगली बार जब कोई आएंगे तो ले आएंगे या अगर बाबा के घर रहा भी तो हमारा अच्छा ही है क्योंकि अपना ही घर है तो ऐसे करते वहां से चल पड़े जैसे हम जाने लगे एयरपोर्ट के नजदीक नजदीक हम पहुंचे और एयरपोर्ट पर तो बर्फ लोग पहुंच ही चुके थे तो वहां से ही हमको अनाउंसमेंट आवाजाई कि अभी फ्लाइट को कुछ कारणों से एक घंटा लेट है तो जब दीदी ने सुना तो दीदी को लगा कि अब एक घंटा लेट है फ्लाइट लेकिन अब क्या कर सकते हैं दादी जी को हम अगर रिटर्न लेके जाते हैं तो समय पर हम पहुंच नहीं पाएंगे इसलिए कहा दादी जी पे वेट हम पर यहीं पर, पर वेटिंग रूम है वहाँ चले जाएंगे तो दीदी और वहाँ से बात किया कि मैनेजर से और दादी जी के लिए बहुत अच्छा सिटिंग रूम अरेंजमेंट करके दादी जी को हम वहाँ बिठाए थे तो एक समर्पित भाई थे बहुत पुराने उनको ऐसे बैठे बैठे संकल्प आया और हम भी दादी जी के साथ ऐसे ज्ञान के रोह कर रहे थे तो कहा कि यहाँ पर है ना बहुत अच्छे पोस्ट पोजिशन पर बड़े बड़े साहब भी रहते हैं सेवा करते हैं मत सर्विस करते हैं और मैं उनको कुछ जानता हूँ जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं तो हम देने आते हैं क्यों ना हम उनसे मिलाया जाए दादी जी से नहीं. तो हमने कहा जरूर मिलाइए तो दादी जी ने कहा कि आप तो कहती हो कि लेके आई पर तुम्हारे पास क्या है देने के लिए नहीं. तो हमने कहा दादी आपके हाथ की टोली है वरदान है एप्पल है बोले बस और इतना है कुछ नहीं है मैंने कहा दी दादी जी और भी है तो हम दादी जी के साथ जहाँ भी जाते थे तो उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट रखते थे नहीं. जैसे लॉकेट रखते थे या किचन रखते थे पेन डायरी या बहुत सारी चीजें ऐसी गिफ्ट वेराइटी थैले में बैग में हमेशा ही रखे जाते थे दादी जी ने कहा पहले आप सामग्री को एकत्रित करो फिर सभी को बुलाना hmm. तो मैं सभी दादी जी के पास टेबल पर लाके रखा फिर वो भाई जी एक एक बड़े बड़े जो पोस्ट पर अपने सर्विस कर रहे थे जॉब करते थे उन सभी को एक एक लेकर के आए और एक एक को दादी जी से हर कोई आता था दादी जी को प्रणाम करता था hmm. पैर छूते थे और दादी जी अपने हाथों से उन्हें टोली वरदान एप्पल और वो गिफ्ट देते थे hmm. ऐसे कम से कम दादी ने तीस चालीस लोगों भाई बहनों को Uh, उनको दिया दादी जी और वो सभी को आकर के सभी आकर के खड़े हो जाते थे और बहुत प्यार से दादी जी को मुस्कुरा के और दादी जी भी बड़े प्यार से उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करते जैसे दादी जी को वो करते दादी भी उनके साथ ऐसे ही मिलते थे और दादी जी को देख के उनको बड़ी खुशी होती थी और दादी जी कहती थी ये हमारे भाई बहने हैं तो उनको बड़ा अपनापन फीलिंग होता था ऐसे करके सभी चले गए तो जब बाद में मैनेजर भ मिलना पूरा हो गया बाद में में मैनेजर भाई लास्ट आए दादी जी के पास आकर ऐसे बैठ गए और कहने लगे दादी जी आपको देखकर मुझे अपना इष्ट याद आ रहा है आप तो मेरे लिए भगवान के रूप में आए हो और दादी जी के आगे बैठ गए और हाथ जोड़ के उनकी आंखों से ऐसे आंसू आने लगे तो मैंने कहा भाई साहब आप आप यहाँ बैठी आप चेयर पर आप इतने बड़े व्यक्ति आप नीचे कैसे तो कहा दादी जी के चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला है आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि दादी जी ने मुझे सिर पर हाथ घुमाया मुझे अपने हाथों से टोली खिलाया इतने अच्छे सौगात दिया मुझे ऐसा लगता है कि दादी जी मेरे लिए महान भगवान के रूप में मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ मुझे कोई सेवा दीजिए तो हमने कहा सबसे पहली सेवा तो यही है कि आप आश्रम पर जाते जाइए आप यहाँ जो आश्रम है हमारा ब्रह्मा कुमारी आश्रम वहाँ समय निकाल करके जब भी आपको आधा घंटा या दस मिनट भी समय मिले तो आप जाइए और का दादी जी से हमारा मिलना फिर कब कब होगा पुनः कब मिल सकते हैं तो हमने कहा माउंट आमू मुख्यालय है दादी जी वहीं रहते हैं आप पर आइए दादी जी से जरूर मिले, जी। आपका वेलकम और मैंने बाबा का लेसन उनको देना शुरू किया कब मुझे अभी कोई सेवा करना हो तो कुछ दीजिए वो बैग वगैरह का आपका सामान कुछ रखना हो और कोई सेवा हो तो हमने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं फिर किसी भाई से पता चला उनको कि इनका सामान थोड़ा अधिक ज्यादा है तो कहा आपका सामान मैंने सुना है ज्यादा है तो वो सेवा मैं अभी करना चाहता हूँ hmm. तो मैंने कहा नहीं कोई हर्जा नहीं आप आप सेंटर पर जाते रहिए सबसे बड़ी सेवा तो यही है कहा नहीं आपका जो सामान है वो सामान मैं फ्लाइट में चढ़ा सकता हूँ और वो गए और उन्होंने गाड़ी के पास जो हमारा सामान ऐसे रखा हुआ था hmm. साइड में वो लेकर के उन्होंने फ्लाइट में रखा और बड़े प्यार से कहने लगे और सौभाग्य मुझे जो सेवा का अवसर मिला तो तब मुझे असंभव हुआ जो दादी गंभीरता की देवी है इतनी गंभीरता से बात भी नहीं करती मुस्कुरा के मिलती रहती है तो वो टोली खाकर करके दादी की दृष्टि लेकर के इतना परिवर्तन हो गया कि असंभव था पैंतीस के जी वेट सामान जाना तो इतना आसान नहीं था लेकिन असंभव को संभव कर दिखाया तो ये दादी जी।, जी की मीठी हाथ की टोली और उनकी दृष्टि और उनके प्यार भरी मुस्कुराहट से ही चमत्कार होते थे जी 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 जी, जी।